नमस्कार दोस्तों, ये बाटी में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वीएन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपके जो भी पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ, उसी तरह से आपको भी अपने पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट है वो ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको भी अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो ऐड करने के बाद दोस्तों उसी तरह से मैं अपने पोस्ट ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको तीर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर ओरिजिनल लिखा हुआ क्लिक करना है, या से 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक व्हाइट स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है, जो कि देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर अपना वीडियो है वो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको बीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बीट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से बीट ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने थोड़ा आपको अपने फोटो को जूम कर देना है। जूम करने के बाद दोस्तों आपको बीट के हिसाब से आपको अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी फोटो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने सभी पोस्टों को कुछ इसी तरह से ऐड करना है। यहाँ से पहले वाले इफेक्ट में आपको कुछ उसी तरह से आपको पहले वाला इफेक्ट है वो फ्लैक्स वाला इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से करने के बाद दूसरे नंबर पर आपको जूम आउट का इफेक्ट है वो का वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में उसी तरह से पहले वाले में आपको फ्लैक्स वाला इफेक्ट है तो वो का वो, और दूसरे वाले वीडियो में आपको जूम आउट का है तो वो का वो उसी तरह से पूरे वीडियो में ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है, जो कि देख सकते हो उसी तरह से यहाँ तक आ जाना है। यहाँ से आपको अपना ब्लैक वाला वीडियो जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपना ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करके दिखा देता हूँ। तो उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपने वीडियो को फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों इधर से नीचे से आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से बनके रेडी हो जाएगा। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आप अपनी वीडियो को आपके मोबाइल में सेव करना चाहो तो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन या से यस पे क्लिक कर देना, क्योंकि वीडियो रहेगा इजीली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।